वीडियो में बात करेंगे मेडिकल टर्म यूज इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में लिखे मेडिकल टर्म का फुल फॉर्म, नाम और उसका क्या मतलब होता है, आज के वीडियो में जानेंगे। पहला इसमें है ओपीडी। ओपीडी का मतलब है, ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यह हॉस्पिटल का वह पार्ट होता है जहां पर डॉक्टर अलग अलग स्पेशलिटी के आधार पर अलग अलग विभाग में कुछ घंटों के लिए बैठते हैं और पेशेंट को चेक कर उनकी कंडीशन को देखते हुए उनको सलाह देते हैं और दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पेशेंट डायरेक्टली आकर डॉक्टर को दिखाकर वापस अपने घर चले जाते हैं, जिसको ओपीडी बोलते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसमें अगला है आईपीडी। आईपीडी का फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। यह हॉस्पिटल का वह पार्ट होता है, वह एरिया होता है जहां पर पेशेंट को एडमिट किया जाता है। अगला है आईसीयू। आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट। किसी पेशेंट की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, तो उसको क्या वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, या तो पेशेंट चल नहीं पाता है, खुद से खा पी नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, जिनको हार्ट की समस्या होती है उनको आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू में हर एक दो पेशेंट पर एक डॉक्टर और एक से दो नर्स होती है। इसमें अगला है MICU, मीकू। इसका फुल फॉर्म होता है मेडिसिन इंटेंसिव केयर यूनिट। मेडिसिन से रिलेटेड पेशेंट यहाँ एडमिट होते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है, उसे MICU, मीकू कहते हैं। अगला है सीकू, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, SICU, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। सर्जरी से रिलेटेड पेशेंट जिन्हें एडमिट किया जाता है सर्जिकल विभाग में, उसे सीकू यानी कि सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। NICU, इसका फुल फॉर्म होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है, जन्म लेने के बाद बच्चों को यदि कोई बीमारी हो जाती है तो उन्हें NICU में भर्ती किया जाता है। NICU में जो बच्चा तुरंत पैदा हुआ होता है या जिन छोटे बच्चों की कंडीशन क्रिटिकल होती है उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें NICU में रखा जाता है। जो बच्चा न्यू बॉर्न होता है यानी कि एक दिन या दो दिन का होता है उन्हें NICU में रखा जाता है। अगला है इसमें PICU, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां पर जो है बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 2.5 साल से लेकर 5 साल या 6 साल, 8 से लेकर 10 साल के बच्चों को जहां पर एडमिट करते हैं उसको हम पीकू बोलते हैं, PICU। वार्ड वह होता है जहां पर सभी प्रकार के पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है, IPD, ICU, MICU, SICU और NICU, PICU से निकालकर वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, मतलब स्टेबल कंडीशन के पेशेंट को वार्ड में एडमिट किया जाता है। HDU, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। HDU यह ICU और वार्ड के बीच का होता है, यहाँ ना ICU से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, HDU में ICU से ज़्यादा खर्चा नहीं होता और ना वार्ड से ज़्यादा खर्चा होता है, मतलब ICU और वार्ड से ज़्यादा यहाँ पे खर्चा नहीं होता है। यहाँ पर उन पेशेंट को रखा जाता है जिनकी सिर्फ केयर और मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है, ऐसे पेशेंट को HDU में रखा जाता है, उसको बोलते हैं HDU, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। लेबर रूम, वह रूम जहां पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिलीवरी होती है उसको हम लेबर रूम कहते हैं। एमरजेंसी कैजुअल्टी, कोई भी पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में आता है उसको एमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है, जहां पर उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम एमरजेंसी या कैजुअल्टी बोलते हैं। ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर का मतलब होता है जहां किसी भी
पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है, जहां पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है उसे हम ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं। कैथ लैब, कैथ लैब का मतलब होता है कि यहां पर हार्ट से रिलेटेड अगर ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, जैसे एंजियोग्राफी हुआ है, एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुई है, उसको हम कैथ लैब बोलते हैं। जहाँ पर हार्ट से रिलेटेड सर्जरी ऑपरेशन होता है उसको हम कैथ लैब बोलते हैं। अगला इसमें है ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर, किसी पेशेंट को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हुआ होता है जिसे टाके लगाने पड़ते हैं, टाके लगाने की आवश्यकता होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कट पिट गया है, तुरंत ही सर्जरी की आवश्यकता होती है, उसे ट्रॉमा सेंटर बोलते हैं। और मोर्चरी का मतलब होता है जहाँ पर जो है बॉडी, डेड बॉडी को रखा जाता है, उसे मोर्चरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।